तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपने विधानसभा क्षेत्र की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से यात्रा कराई। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर घर रोशनी हो, इसे लेकर हमारे मन में एक भावना है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 59 बस्तियां हैं और हर साल हम इसी तरह लोगों को यात्रा के लिए लेकर आते हैं। वंदे भारत ट्रेन जो देश की सबसे लोकप्रिय ट्रेन है, उसमें हम बच्चों को लेकर आए हैं। 3 दिन और 2 रात का ये पूरा कार्यक्रम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा सबका साथ सबका विकास वो धरातल पर दिखाई दे, हर घर रोशनी का जो हमारा एक मन में एक भावना है कि हर घर रोशनी, हर कोई, मेरी विधानसभा में 59 ऐसी दलित बस्ती है और कई सारे ऐसे हाथे हैं, उन सभी हाथों से उन बच्चों को चिन्हित करके हर साल अलग 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 अलग, फिर उसके बाद फिर उनका नंबर आ जाता है, तो ऐसे ही लेकर के हम लोग हर साल आते हैं। और हम सबके अभिभावक आदरणीय राज्यपाल महोदय ने एक बार कहा था कि बच्चे कभी अच्छी बस पे नहीं बैठे होंगे, अच्छी गाड़ियों पे नहीं बैठे होंगे, तो मुझे लगा वंदे भारत ट्रेन जो आज देश की सबसे लोकप्रिय ट्रेन है, सबसे अच्छी ट्रेन है, हर किसी का सपना होता है वंदे भारत ट्रेन पर बैठें, तो बच्चों को वंदे भारत ट्रेन से लेकर के आए और बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है इनको। आज अभी हम लोग जा रहे हैं, म्यूजिकल नाइट है आनंदी वाटर पार्क में, आप जानते हैं 5-स्टार कैटेगरी का वो रिजॉर्ट है, तो वहाँ पर बच्चे रुकेंगे, अपना डांस म्यूजिक जो भी अपने प्रोग्राम करेंगे, और कल सुबह झूले और वाटर पार्क में खेल कूद मस्ती करेंगे, फिर शाम को आएंगे यहाँ पर लूलू मॉल में शॉपिंग करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ जा करके कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है, उस प्रोग्राम में आनंद लेंगे, उसके बाद फिर वो रवाना होंगे। 3 दिन और 2 रात का ये प्रोग्राम।